हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे एक नए टॉपिक के चर्चे से चलेंगे। टॉपिक जो हमारा रहेगा वो न्यूमेरिकल्स रहेगा। आपको थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं, चलिए आज न्यूमेरिकल का कुछ अलग कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए पेश किया जा रहा है। यह जो न्यूमेरिकल जो आज का क्लास है वो न्यूमेरिकल का क्लास आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो 10th हो, 9th हो, 11th, 12th, क्योंकि न्यूमेरिकल का कोई बेस, कोई लेवल नहीं होता है। न्यूमेरिकल को जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो आप 9th में हो फिर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10th में हो फिर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 11th और 12th में हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उसमें भी आपके न्यूमेरिकल से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात जहां तक कि हमें पता है कि रेलवे के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल यह वीडियो साबित होने वाला है। तो बिना स्किप के इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास। आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो विद्युत लैंप जिसमें से एक का अनुमांकन 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे का अनुमांकन 60 वाट अजो और 220 वोल्ट है। विद्युत मेंस कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, मेंस मतलब होता है वायर, या बोल सकते हैं विद्युत लाइन, विद्युत सर्किट, ठीक है। विद्युत सर्किट के पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, कौन सा क्रम में, पार्श्व मतलब होता है समांतर क्रम, ध्यान दीजिएगा। यदि विद्युत आपूर्ति वोल्ट का 220 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा। आपूर्ति की वोल्टता दे दिया 220 वोल्ट, एक बात पे यहां पे गौर करना है, यहां भी 220, यहां भी 220, यहां भी 220, है ना, तीनों जगह पे आपको नजर आ रहा है 220। एक बात यहां पर गांठ मान लीजिए, वो बात क्या है। बात हमारा यहां पर यह चल कर आता है, अगर अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में रहे, श्रेणी क्रम में जब रहता है तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब रहता है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाता है, भी बढ़ता है। और जब समांतर क्रम में रहता है, जब समांतर क्रम में रहता है तो धारा बढ़ता है, ठीक है, ये आप काट बांध दीजिए इस बात को। तो एक बात यहां ध्यान देना है कि पार्श्व क्रम में है तो धारा बटेगा, धारा बटेगा तो विभव कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, और लास्ट स्टेप में भी वही। ज्ञात क्या करना है आपको, धारा का मान। चलिए, धारा का मान ज्ञात करना है दो लैंपों के द्वारा। अगर देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले एक बात और आपको बता देना चाहेंगे कि यह जो न्यूमेरिकल है विद्युत से रिलेटेड है, विद्युत धारा से रिलेटेड है। तो विद्युत धारा में आपका आ जाता है विभव भी, आपका प्रतिरोध भी। तो जितने सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो विद्युत धारा के रिगार्डिंग होगा। वीडियो छोटा होगा लेकिन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोग के लिए जल्दी ही लाया जाएगा, तो प्लीज बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसे सॉल्व करें। चलिए, तो दिया हुआ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है उसके लिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया शक्ति, अगर टोटल शक्ति का ज्ञात करें, टोटल पावर का बात करें तो पहला में 100 वाट है, दूसरा में 60 वाट है। तो टोटल का टोटल जो पावर है कितना वाट हो जाएगा, 160 वाट होगा या नहीं होगा। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि विद्युत मेंस से पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। अगर V का वैल्यू हम ज्ञात करें तो क्या बोले, V बटेगा नहीं क्योंकि समांतर में है, तो V को हम लोग 220 ही रखने देंगे। I निकालना है तो फॉर्मूला आपको P बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इंटू I होता है, शक्ति बराबर एक फॉर्मूला होता है V इंटू I। अगर देखिए इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया जाएगा क्यों V इंटू I होता है, कितने सारे फॉर्मूलास होते हैं P के रिगार्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, P के जगह पर हमको I का वैल्यू निकालना है तो I को यहां पर लाएंगे, V को कहां करेंगे, नीचे करेंगे, और P को ऊपर करेंगे। अगर P का मान पूछे तो कितना लिख सकते हैं यहां पर, 160। अगर V का मान पूछे तो कितना लिख सकते हैं, 220। अगर इसे सॉल्व करें तो आप कितना लिख सकते हैं, 8/11। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दूसरी बात, I का वैल्यू आप लिख सकते हैं एम्पियर में, धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर जरूर लिखें, अगर नहीं लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन बनाया हुआ गलत है। तो इस पे ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन बनाइए तो उसके ऐसा ही मात्रा को साथ में लिखिए।
दूसरी बात आपको समझा दिया जा रहा है कि अगर पी पी के रिगार्डिंग यहां पर क्वेश्चन में दे दिया था वी और पी था और आई निकालने बोला था, तो पी भी आई वाला लेकर चले थे। पी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है। शक्ति बराबर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अगर आपको आगे देखते चलिए, अगर फॉर्मूलाज यूज होंगे तो सारे फॉर्मूला को आपको दिखाने जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश करेंगे, उससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं समझ में आता है, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए और उसका संपूर्ण निवारण आप लोग को जरूर दिया जाएगा। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीकूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए कांच का मान निकालने बोला है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे करते हैं, ठीक है ना। कांच का मान निकालने के लिए बोला है और कहा क्या गया है कि 25 से 125 तक ले जाने के लिए, कहा से 25 से 125 तक। क्या आपको बताए थे, एक तरीका बताए थे कि पहले जो दिया रहे उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। जब दिया रहे उसको लिखने से क्या होता है, आपको सारे बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ता है। तो देखिए गिवन दिया हुआ क्या है, 1 मिलीकूलम है, सॉरी, तो क्यू का मान दे दिया है 1 मिलीकूलम। अगर 1 मिलीकूलम को कूलाम में बदले तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक देखिए मिलीकूलाम है ना, मिली कहने का मतलब क्या हो जाता है, 10^3, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, अगर 1 मीटर बराबर मिलीमीटर का बात करें तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1000 कहने का मतलब 10^3 कितना हो गया, 3। अगर यहां पर लिख सकते हैं हम 10^3 मिलीमीटर। एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या बताइए कि 1 मिलीमीटर को हम मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, मीटर में बदलना है, मीटर में, तो मीटर में बदलना है तो 10^-3 से मल्टीप्लाई या 1/1000 से भाग नहीं देंगे, देखें ना। तो वही बात यहां पर भी है, ठीक है, तो वही बात यहां है। तो इसे जब सॉल्व करिएगा कूलाम के सेक्शन में लाइएगा, क्योंकि कूलाम लाने का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो Q बराबर 1 मिलीकूलम, तो इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो 1 × 10^-3 कूलाम, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आगे बात करेंगे कि विभव का मान कहां से कहां तक ले गया। देखिए V का वैल्यू जो दिया गया है 25 से 125 तक, तो कहने का मतलब क्या, घटाएंगे तो टोटल का टोटल जो काम हो रहा है वो कितना वोल्ट का काम हो रहा है, 100 वोल्ट का काम हो रहा है, क्या दिक्कत। अब क्या करना है, अब जो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए एक विभव बराबर एक सूत्र होता है, V बराबर W/Q, W का मान निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V Q। अगर V का वैल्यू यहां पर हम लोग लिख दें, तो V का वैल्यू लिखेंगे तो कितना है, V का वैल्यू 100। अगर Q का वैल्यू लिखें तो Q का वैल्यू लिखेंगे तो 10^-3, कोई दिक्कत। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 1100, काटिएगा तो हो जाएगा आपका 1/10, जब सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 0.1। कार्ज है ना, तो यह क्या हो जाएगा, जूल में। बताइए क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तरीका समझ लीजिएगा कि गिवन जो क्वेश्चन दिया रहे उस सारे क्वेश्चन को यहाँ, सारे पॉइंट्स को यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, टाइम बहुत कम रहता है, एक बार क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए तो ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में धारा 1.0 एम्पियर हो तो, धारा का मान दे दिया, उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए चलते इसे करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक फॉर्मूला आपको बता दें कि क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन इंटू, या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं n × e, तो यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू निकालना है तो क्यू और बटा में कितना, सॉरी क्यू बटा में e। अगर Q का वैल्यू पता हो जाए तो Q का वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए,
जब तक क्यू का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक तो निकलेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या था। तो दिया है क्वेश्चन में एक धारा का मान दे दिया है 1 एम्पियर, 1.0 लिखिए, 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1 एम्पियर। एक टाइम दे दिया है आपका कितना सेकंड, 1 सेकंड। अगर यहां से चेक करके आप निकाल सकते हैं, आई बराबर एक फॉर्मूला लगाएंगे तो धारा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटे टी। अगर क्यू का वैल्यू निकालना हो, क्यू का वैल्यू निकालना हो तो आई टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। आई का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू 1 है, 1 है तो 1 × 1 = 1, यानी 1 कूलम आपका वैल्यू आ चुका है आवेश का। तो इस वाले फॉर्मूला में आप चेक करके डाल सकते हो। तो चलिए चेक करके यहां पे डाल देते हैं। तो n की जगह पर n, q का वैल्यू 1 और e का वैल्यू आपको पता होता है, e का एक वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। 1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर ये 10⁻¹⁹ से इसको ऊपर ले जाना चाहे, ऊपर ले जाना चाहे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाना चाहे तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹। अगर इसे सॉल्व करने का आपका मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से क्या कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। देखिए इसको जब हटाएगा तो नीचे 10 आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 1/16 लिख सकते हैं, गुना 10⁻¹⁰ लिख सकते हैं। तो n बराबर आपका आ सकता है, यहां से आप कुछ, यहां से आप देखिए डिविजिबल करना है ना, तो यहां से आप क्या करिए, यहां से 2 को हटाइए, तो 2 को हटाइए कहने का मतलब 10⁻², तो 100 हटाइएगा, 100/16 गुने 10⁻¹⁰ कितना हो जाएगा, 18। अब 6.25 × 10⁻¹⁸ आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन के बाद आपको फिर से अगले दिन फिर से आएंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है आपको, जो क्वेश्चन है फ्लैश होगा बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपथ में लगने वाले, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पीयर है, परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक परिपथ में लगे एमीटर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन कितना एम्पीयर है, 2.5। क्या हम बोले थे आपको, गिवन सबसे पहले तो 2.5 किसका वैल्यू है, आई का, किसका वैल्यू है, आई का, तो आई बराबर हो गया कितना, धारा दिया हो ना, तो आई का, आई बराबर 2.5 एम्पीयर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में परिपथ में 12 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 12 कूलॉम, कूलॉम करने का मतलब क्यू, ये कितना दे दिया है, 12। अब इसे सॉल्व करके आगे देखते हैं, तो समय का मान पूछा है ना, समय का, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्यू बराबर होता है आई टी, चाहे आई बराबर होता है क्यू बटे टी, धारा बराबर नहीं निकाल लेते हैं, टी का वैल्यू निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा क्यू बटे आई। अगर क्यू का वैल्यू पता करना हो तो क्या लिख सकते हैं, 12, और आई का वैल्यू कितना है, 2.5 या 25, और यहां पर गुणा 10 कर सकते हैं। अब गुणा 10 कर सकते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि 120 और बटे में कितना, 25। अगर इसे काटना चाहे, नहीं तो यहीं पर चलिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 5 से काटेंगे 25 यानी 12 × 24 = 5, ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका समय का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 5×20 = 40, 4.8 सेकंड का आपका टाइम लगने वाला है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ऐसा ना लगे कि बहुत ईजी है बहुत हार्ड है। अगर किसी को ईजी लगता है तो प्लीज भाई फिर से पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, फायदा ही होने वाला है, क्योंकि दोबारा पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, चलिए पढ़ लिए, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इस बार यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 3.0 दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश का मान पूछा है। देखिए फिर से वही कहानी, गिवन का,
एक बात हमेशा रट्टा मार लीजिए कि जो दिया है लिख लेना है पहले, ठीक है। देखिए क्या है, एक ये यदि एक तार से 2 मिनट में, देखिए टाइम का भी वैल्यू दे दिया है, यहां ध्यान देना टाइम का भी वैल्यू दे दिया 2 मिनट। अगर इसे मिनट को हम एसआई मात्रक में लिखना चाहें तो सेकंड बचेगा। अब सेकंड बचेगा तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट को 2 × 60 सेकंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। 60 सेकंड को 120 सेकंड लिख सकते हैं, 2 × 60 को 120 सेकंड। आगे बात करते हैं, 3 एम्पियर की धारा, एम्पियर दे दिया है ना, तो आई का वैल्यू दे दिया है 3 एम्पियर। तो कह रहा है कि आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो क्यू बराबर वाट, फॉर्मूला पता है, आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। अगर आई का वैल्यू का बात करें तो आई का वैल्यू कितना है 3, और यहां पर आपका दे दिया टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 12 120, ठीक है। तो 12 दिया कितना हो गया 36, 360 कूलाम आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत है, 360 कूलाम। क्या क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन था या नहीं था, था ना, समझ में आया नहीं आया, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना है जिन्हें जिन्हें ले सकते हैं, क्वेश्चन को जरूर लिख करके सब बनाइएगा, ठीक है। बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो देखिए, फिर से इसे समझिए, अगर कोई दिक्कत फिर भी होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, उसका संपूर्ण निवारण आपके लिए किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके आपके लिए पढ़े क्वेश्चन, तब तक मैं इसे कर लूं क्लियर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, फिर से करेंगे प्यारा सा क्वेश्चन, बार बार हम गिवेन को मिटा दे रहे हैं ना, उसे इस बार लिख देते हैं परमानेंट, इस बार ना मिटा, भूल के मिटा देते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, 4 माइक्रोकुलाम तथा 12 माइक्रोकुलाम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 2 को दे दिया है, R1 का भी वैल्यू दे दिया है, R2 का भी वैल्यू दे दिया है, और कहा गया है क्या, एक बार श्रेणी में लगाइए एक बार समांतर में लगाइए, दोनों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए R1 का वैल्यू दे दिया है कितना, R1 का वैल्यू दे दिया है आपका 4, और R2 का भी वैल्यू दे दिया है कितना 12। ये ओम के साथ में लिखना है, ठीक है, जात के साथ में लिखना है, R1 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू 12। पहला क्वेश्चन दिया गया कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम की अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो फॉर्मूला पता होगा सीरीज ग्रुपिंग का, R1 + R2, ये सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहला का वैल्यू कितना है, पहला का वैल्यू आपका आ गया 4 और प्लस दूसरा का वैल्यू 12, तो आंसर कितना आने वाला आपका 16, ये सीरीज ग्रुपिंग का। अगर पैरेलल ग्रुपिंग का बात करें, आरपी का बात करें, तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, R1 × R2 और बटा में R1 + R2, बस इसे आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 4 × 12 और बटा 4 + 12, ठीक है। तो 12 × 4 कितना हो गया 48, और 12 × 4 कितना हो गया 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 3। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, आरपी का वैल्यू आ गया आपका 3 ओम, और RS का वैल्यू आ गया आपका कितना 16, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इस बार देखेंगे, समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोधकों के 4 प्रतिरोधकों, समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधकों को समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 है। इस बार देखिए, अगले बार हम जो निकाल रहे थे समतुल्य प्रतिरोध निकाल रहे थे, इस वाले जो क्वेश्चन दिया गया उसमें समतुल्य प्रतिरोध दे दिया गया, तो बोला गया प्रत्येक का मान निकालने के लिए, कोई बात नहीं देख लेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फिर से देखिए, फिर इसे हम मिटा दिए, ओहो चले, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। समतुल्य प्रतिरोध दे दिया, कौन सा क्रम का दे दिया गया है, तो समांतर क्रम का दे दिया गया, समांतर क्रम का, तो लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है आपका वो आरपी का वैल्यू दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, दे दिया गया आपका 4 ओम। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन, अगर हम एक फॉर्मूला बताएं कितना है, कितने लोग हैं समांतर क्रम, 4 प्रतिरोध है, 4, समांतर क्रम का फॉर्मूला देखिए, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। बोला प्रत्येक का मान निकालने के लिए, कहने का मतलब समान है ना, सबका प्रतिरोध तो समान है, तो सबका प्रतिरोध जब समान है ही, तो क्या किया जाए,
आर1 का भी हम मान सकते हैं, मान आर1 को भी मान सकते हैं, कितना आर1 को भी मान सकते हैं, चलिए एक्स मान कर बना सकते हैं, आर2 को भी मान सकते हैं, सबका समान ही है, तो आर3 को और आर4 को भी एक्स। चलिए अब सारे को सॉल्व करते हैं, आरपी का वैल्यू 4, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन, ये नीचे करते हैं, वहां पर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे आरपी का वैल्यू 4, अगर इसे सॉल्व करें 1/r का वैल्यू 1/x, फिर देखिए फिर 1/r का वैल्यू 1/x, सबका 1/x, कोई दिक्कत, अगर इसे सॉल्व करें तो कितना x, 1 1 1 1, टोटल का टोटल कितना 4, तो देखिए 1/4 इज इक्वल टू 1/4/x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो प्रत्येक का मान कितना आने वाला है, तो r1 का भी 16, r2 का भी 16, r3 का भी 16, r4 का भी 16। तो इस प्रकार से इस प्यारे से क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ लीजिए इसे, अगर नहीं समझ में आता फिर से पीछे करके फिर से देख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पीछे करिए फिर से समझिए, जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेरीज हमेशा सबके मन में होती है, तो बिना झिझक बेझिझक उस क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि दो चालकों को श्रेणी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कर रहा है यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम और 5 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। क्या है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, यदि दो चालक, कितने चालक हैं, दो, को श्रेणी एवं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः, श्रेणी का अलग दिया है 20 और समांतर का दिया है 5, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान देना है, दोनों को बारीकी से निकालेंगे, सबसे पहला जो निकालते हैं वो श्रेणी का ही निकाल लेते हैं, क्योंकि श्रेणी का दिया गया है, देखिए जो दिया गया उस पे देख लेते हैं, दिया गया है क्या, एक दिया गया आरएस का सीरीज ग्रुपिंग का दिया गया है 20 ओम, और एक और दिया है, किसका दिया है, एक दिया है आरपी का, कितना दिया है आरपी का, आरपी का दिया है 5 ओम, बहुत प्यारा क्वेश्चन, चलिए आरएस का निकाल देते हैं अलग, आरपी का निकाल देते हैं अलग, एक बार देख लेते हैं नजर आ रहा है नहीं, क्वेश्चन लिखे जो, हाँ सही है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, संतुल्य तो दे दिया, निकालना क्या है प्रत्येक का मान, देखिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब आरएस के रिगार्डिंग आए तो सीरीज ग्रुपिंग के रिगार्डिंग आए, आर1 बराबर, अगर एक चीज चेक किया जाए, एक मिनट, कितने हैं, दो चालकों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान, दो चालक हैं, कितने चालक हैं, दो, कौन सा क्रम है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग क्या करते हैं, 1/2 लेकर चलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग में जोड़कर चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आर1 का वैल्यू, पहला चालक है, एक चालक में एक प्रतिरोध, दूसरे चालक में दूसरा प्रतिरोध, तो पहले प्रतिरोध का मान अगर x मान लें, और तब तो समान ही है ना, पिछले वाले क्वेश्चन को कैसे किए, समान प्रतिरोध है, तो पहले वाले को भी हम लोग x मानेंगे और दूसरे वाले को भी कितना मानेंगे, x मानेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आरएस बराबर कितना होता है, आर1 प्लस आर2, अगर आरएस का वैल्यू कितना है 20, आरएस का वैल्यू कितना है 20, आर1 का वैल्यू एक्स, आर2 का वैल्यू एक्स, एक्स एक्स कितना है एक्स, तो 20 बराबर 2x, तो x का वैल्यू कितना आने वाला आपका 10 ओम, कोई दिक्कत, प्रत्येक का मान कितना है, इसका भी मान 10, इसका भी मान 10, चेक करते हैं अगले वाले का क्या आता है, अगले वाले का अगर 10 आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है, बना हुआ सही है, तरीका सही है, नहीं आया तो तरीका आपका गलत है, 110% गलत है, तो चलिए चेक करते हैं, आरपी का वैल्यू दे दिया, आरपी का वैल्यू दे दिया, यहां पर भी कितने चालक है, 2, तो यहां पर भी आर1 हम कितना मानेंगे एक्स, R2 कितना मानेंगे x, समान है ना, इसका भी x इसका भी, सब जगह तो वही मानना पड़ेगा क्योंकि चालक एक ही है, चालक में जो समान है सबका प्रतिरोध भी है समान है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, RP का वैल्यू, तो देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, RP is equal to, दो है ना R1, जब दो रहे तब ये फॉर्मूला लागू होता है, नहीं तो 3 4 5 रहे तो 1/2 करके नहीं चले, ज्यादा बेटर रहेगा, जब दो रहे तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, कर सकते हैं, R1 गुने R2
बटा आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अगर आर पी का वैल्यू बता दे कितना है, पांच, आर वन का वैल्यू एक्स, आर टू का वैल्यू एक्स, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू करने का मतलब क्या, आर वन भी एक्स आर टू भी एक्स, कोई दिक्कत है? पांच बराबर कितना एक्स स्क्वायर और बटे में कितना टू एक्स, अगर इसको गुना करे तो कितना हो जाएगा, अगर गुना करे तो यह हो जाएगा टेन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स का वैल्यू निकाले तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका टेन। तो इस प्रकार से भी जब चेक करिएगा तो यहां से भी आपका आंसर 10 आया और यहां से भी आंसर 10 आया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो बिल्कुल राइट, और आपका जो बनाया गया तरीका भी है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बारी बारी से, बिना कोई डरे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी पूरा ही कर लेते हैं। चलो देखिएगा क्वेश्चन, एक डायग्राम आपके पास बनाया जा रहा है, ठीक है, एक डायग्राम आपको बना दे रहा हूं, उस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। डायग्राम क्या है इसका, देखिए डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करना है, डायग्राम पे बस डायग्राम यही है, बस थोड़ा सा ही गौर करना है, ज्यादा नहीं। यहां पर विभव है 6 वोल्ट, ठीक है, ये है। चलिए धारा का मान इधर से प्रवाहित हो रही है, इधर आ रही है, अगर स्विच का निर्माण करना चाहे तो यहां पर लगा सकते हैं प्लग। चलिए यहां पर आपका वैल्यू दे दिया है 9 ओम, यहां पर वैल्यू दे दिया 3 ओम। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछा, देखिए सबसे पहले पूछा इस परिपथ में, परिपथ में धारा निकालना है, धारा का मान क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 9 ओम के प्रतिरोधक, 9 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच, के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए देखिए, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने बोला है, दूसरा है कि 9 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होगा, इस वाले सेक्शन पे पूछा है, ठीक है, विभवांतर का मान। उसके बाद पहले हमको, अब ध्यान दीजिएगा, विभवांतर का मान लास्ट है कि पहला, अगर हम देख लें कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हमको धारा चाहिए, धारा चाहिए, तो धारा बराबर फॉर्मूला पता है, आई बराबर होता है क्यू और बटे में कितना होता है टी, I बराबर Q बटे T। तो देखिए आवेश चाहिए, तो क्या इस सेक्शन में आपको आवेश नजर आ रहा है, नहीं। समय चाहिए, समय है, नहीं है। हमको क्या है, एक प्रतिरोध है और एक वोल्टेज। चलिए एक चीज और रख लेते हैं, एक और फॉर्मूला आपको पता होगा ओम का नियम से, तो V बराबर फॉर्मूला होता है I गुना R, कौन सा नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, किस नियम से है, ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है, I इंटू R, थोड़ा सीधा लिख लेते हैं I into R। यहां से देखिए, अगर धारा का मान ज्ञात करना हो तो क्या ज्ञात हो जाए या नहीं हो जाए, ज्ञात हो जाए, आराम से ज्ञात हो जाए, क्योंकि V है, I है, R है, वहां भी V है, R है, I ज्ञात हो जाएगा। R का मान देखिए कितने प्रकार के हैं, एक और दो, दो है। सबसे पहले इसे समतुल्य कर लेंगे, क्या कर लेंगे, समतुल्य कर लेंगे, दोनों के बराबर एक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। अब एक बात और देखना है कि श्रेणी में है या समांतर में है, जब स्ट्रेट लाइन में हो, एक ही लाइन में हो तो श्रेणी होता है, जब बट के डिवाइड हो जाए तो वह समांतर होता है। तो एक लाइन में है तो श्रेणी क्रम में है, ध्यान दीजिएगा। तो इस श्रेणी क्रम में आपको फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे, श्रेणी क्रम का आर एस बराबर आर वन गुना, श्रेणी क्रम श्रेणी वही आर पी बराबर होता है ना, आर एस तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, सॉरी आर पी आपका आपका कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है सीरीज ग्रुपिंग का, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब भी आएगा तो जुट जाता है, समांतर क्रम में क्या होता है, वन बटा करके चलते हैं, तो श्रेणी क्रम का निकालना है, तो श्रेणी क्रम का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए
श्रेणी क्रम का आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर वन और आर टू। आर वन का वैल्यू कितना है 9, आर टू का वैल्यू कितना है 3, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए आई बराबर हो जाएगा कितना वी और बटे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? अब वी का वैल्यू आपको पता है कितना है, उस परिपथ में वोल्टेज 6, वैल्यू निकालेगा 1 अपॉन कितना आ गया 2, 1 अपॉन 2 को आप लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। बोलिए कोई दिक्कत? पहला का आंसर आ गया 0.5 एम्पियर। क्या किए सबसे पहले से समतुल्य कर लिए हैं, समतुल्य करके आई का वैल्यू ज्ञात कर लिए। अगर सेकंड कंडीशन देखें कि 9 ओम के प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होगा, इस पे पूछा है, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर में बोला है 9 ओम के प्रतिरोध, आर का वैल्यू दे दिया गया है, आर का वैल्यू दे दिया है, कितना ओम पे बनाना है 9 ओम पे। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे परिपथ में धारा का मान कितना है 0.5 एम्पीयर, ठीक है। क्वेश्चन में निकालना क्या है विभवांतर, फॉर्मूला पता होगा वी बराबर आई इंटू आर, आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू 0.5, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 9, इससे गुना करेगा 9 × 45 4.5 वी है ना वोल्ट, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग क्या कर लिए, इस डायग्राम का परिपथ में धारा का मान भी ज्ञात कर लिए और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का भी मान ज्ञात कर लिए। क्या कितने ओम पर बनाया गया था 9 ओम पे, तो 9 ओम पे हम बना दिए इसको, तो 9 ओम पे बनाया तो कितना आया 4.5। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपके लिए फिर से जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन आ सकते हैं या क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे।